Gençler kampı. Madani yara, madani yara. Hadi hadi. Gençler kampı. Cilane Faruk Abdullah sağ. Cilane Umur Abdullah sağ. Cezakallah, cezakallah. Kavli Efram. Cilane Sadır Cilane Tamir Efendi Kulu sağ. Cilane Sadır Şehir Ahmet Kavul sağ. Allah'a emanet olun. Zorluk sağ. Ben Şefri Ravişer. Edison Zorluk Şefri Müslak sağ. यहाँ कार्य का कदर हमारे बुजुर्ग अब्दुल रशीद बाग साहब वली मोहम्मद गिरी साहब जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है हमारे सीनियर लीडर है तो हमारे कार्य एहतराम अल्ताफ शाह साहब जो हमेशा हमारे घेर पर रहे हैं और अभी रिटायर हुए हैं सबकदोष हुए हैं जिसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर जगजी नाथ जी जिनको अभी आपने सुना हमारे सीनियर लीडर नागशरी से अब्दुल करीम रोहन साहब जानकी जी मोहम्मद यूसुफ साहब जो मुंतखब हुए हैं खासकर हमारे डीडीसी के जो काउंसलर मुंतखब हुए हैं मोहतरम जाकिर रशीद साहब मोहतरम ताहिर मसूद साहब मोहतरम फैसल साहब और मोहतरमा रबीना जी हमारे अब्दुलजाक साहब अभी रास्ते में हैं मोहतरमा पूजा जी वो भी रास्ते में हैं वो भी अभी तक पहुंच पाए हैं एक घंटे तक शायद वो भी आ जाएंगे शरीफा बेगम हमारे मोहतरमा शरीफा बेगम जी छात्राएं वो भी अभी रास्ते में हैं हमारे प्रवचन प्रेसिडेंट प्यारेलाल शर्मा जी उनके साथ हैं कावले एहतराम मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों कारकुनान नेशनल कांग्रेस अस्सलाम वालेकुम आदाब सबसे पहले मैं हमारे जो नव मुंतखबा हमारे काउंसलर साहिबान हैं जिला तरक्याती काउंसिल के मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनको दिल की अमीर कह रहे हूं से मुबारकबाद देना चाहता हूं और इसके साथ साथ मैं जिला किश्तवाड़ की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं आपका मशकूर हूं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पार्टी की तरफ से खासकर जो मेरे कारकुनान हैं मैं अपने कारकुनान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आज जो हमने आपको यहां बुलाया जो आपको तकलीफ दी उसका मकसद और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपका शुक्रिया अदा करो और आपका तारुफ जो है जो हमारे जिला तरक्याती काउंसिल के काउंसलर साहिबान मुंतखब हुए हैं उनका आपके साथ तारुफ कराए बहरहाल ये जो इलेक्शन हुए ये इलेक्शन अजीब और गरीब इलेक्शन थे क्योंकि हमारे जहनों में 2014 में यहां जो माहौल बनाया गया था अजीब माहौल बनाया गया था जब हम पोलिंग स्टेशन की तरफ जाते थे हमें ऐसा डिवीजन लगता था इतना जहर भरा हुआ था एक फिरका परस ताकतों ने अल्लाह की कसम मुझको रोना आता था
कि ये इस समाज को कैसे बांटा जा रहा है, कैसे इस भाईचारे को बांटा जा रहा है और कैसे हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे। आज मुझे इतनी खुशी हुई है, मुझे उतनी खुशी अपनी कामयाबी की नहीं है, अपनी पार्टी की कामयाबी की नहीं है, जितनी खुशी मैंने जो माहौल यहाँ देखा है, यहाँ कोई पता नहीं था कि कौन सा इंसान किस तरफ जा रहा है और किसको वोट कर रहा है। इसके लिए मैं पूरा जिला किश्तवाड़ की आवाम को दिल की अमीर चढ़ाइयों से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। हम अमन चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम यहां तरक्की चाहते हैं। अमन भाईचारे के लिए अगर हमको 10 दफा भी हारना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं, मगर हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम हमारा जो जो भाईचारा है उसमें कोई दरार। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहां जो माहौल बनाया गया, ऐसा माहौल बनाया गया कि भाई जैसे बीजेपी ने सब कुछ खरीद लिया है, दबाव का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल और ये जो 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 फिरका परस्ती का माहौल जो बनाया गया, ये सबसे बड़ा जहरीला माहौल है। और आज आप लोगों ने इस माहौल को खत्म किया है, इस माहौल को के इस माहौल से आप बाहर आ गए हैं, इसलिए आप मुबारक के मुस्तहिक हैं। क्या ये कौन सा, मैं कहता हूं कि एक अच्छा इंसान, एक मुहज्जब इंसान, एक अपने आप को मुहज्जब जमात कहने वाली, क्या उनकी जबान से ये बात जब वो किसी से इजहार करें तो वो अच्छा, जब कोई आपस में गठबंधन करे, इजहार करे, इतिहाद करे तो वो गेम। हम जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज है उन्होंने जो इजहार किया है, जो आपस में इत्तेफाक किया है, और आप देखें दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर से लेकर इनके लॉ मिनिस्टर से लेकर इनके प्रेसिडेंट तक क्या कहते हैं भाई, ये गुफ्तार गैंग है, ये कोई गंगेज है, ये कोई जो इंसान होगा, जो शाइस्ता इंसान होगा, क्या उसकी जबान से ये बातें शोभा देती है। मगर आज रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये बता दिया कि भाई ये जो गुफ्तार का जो अलायंस है, ये जो पीपुल्स अलायंस है, ये कोई गैंग नहीं है, ये लोगों की के जो है रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोगों ने जो ये जमातें बनाई है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो दूसरी जमातें हैं। और आज दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अब क्या हो रहा, अब कहते हैं नहीं ये पाकिस्तानी है। आज ही अभी मेरे पेपर में सुन रहा था कि भाई ये गुफ्तार के जो भी इसके लोग हैं ये पाकिस्तानी है। कि भाई कहां बात कर रहे हो, किनके साथ बात कर रहे हो? ये रियासत जम्मू और कश्मीर की रीजनल पार्टी जिन्होंने रियासत के लिए, मुल्क के लिए इतनी लंबी मिलिटेंसी लड़ी, इतनी लंबी कुर्बानियां दी, और आज सब कुछ जो बीजेपी के साथ है वो हिंदुस्तानी है, जो बीजेपी के साथ नहीं है वो पाकिस्तानी है। और यह सब के लोगों ने आज दिखा दिया, जिन्हें तुम पाकिस्तानी कहते थे, रियासत का बच्चा बच्चा, रियासत का मुजरक नौजवान, रियासत की माए बहने सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, सब इन जमातों के साथ है। और भूखी खानी पड़ी बीजेपी को, और बहुत
दिन तक इतना प्रचार होता रहा कि भाई हमने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीता है। भाई कहां से जीता है? 20 जिले हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट है, 20 में से तो 15 डिस्ट्रिक्ट तो ये जीती नहीं है। नेशनल कांग्रेस के साथ जो जमाते हैं उन्होंने कब्जा किया है 15 डिस्ट्रिक्ट का, तो बाकी कितने रहे? बाकी रहे 5। और इनके बाद मिनिस्टर साहब, इनके इंचार्ज जो जनशक्ति है, मैं खुद देखता रहा, वो कहते हैं जरा हमने तो कश्मीर जीत लिया है। कहां से जीत लिया भाई? 10 तो डिस्ट्रिक्ट है, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट तो हमारे पास है, इन्होंने क्या जीता? क्या था? हमने 2 ब्लॉक जीते। मुबारक हो, मुबारक। उन्होंने कश्मीर में 102 ब्लॉकों में से 2 ब्लॉक जीत लिए। तो इतना प्रोपेगंडा, इतना मीडिया, 2 दिन तक हमारे कान थक गए कि भाई हमने जी 2, हमने 2 ब्लॉक जीत लिए। नाराज आप तो जानते हैं, इनका मीडिया, गोदी मीडिया, ये कैसे सच को झूठ साबित करते हैं और झूठ को सच साबित करते हैं। मैं इसके साथ साथ चूंकि जिला किश्तवाड़ में अल्लाह की दुआ से और आप लोगों की मेहनत से हमने कभी भी यहां जितने हमें यहां काउंसलर चाहिए थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड होता था, इसके लिए हमको जितने लोग चाहिए थे उतने काउंसलर हमारे पास है। यहां जिला का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल रहा पिछले खासकर 6 वर्ष में, कितना गरीब लोगों को सताया गया, कितना एक ही पार्टी का जो है यहां एजेंडा चलाया, चाहे वो प्रोजेक्ट का मसला हो, वहां भी जब लोग अपना हक मांगने के लिए जाते थे और उनको धमकाया जाता था कि भाई आपके खिलाफ अभी कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ अभी पर्चा देंगे, मैंने वहां जाकर धरना दिया। 14 घंटे में वहां रहा, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहां रही, मगर किसी को कष्ट मस नहीं हुआ, क्योंकि सारा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो बीजेपी के पास था। और उसके साथ साथ जो कंपनीज आई है उनका भी 1 पॉइंट एजेंडा कि भाई जो भी हमने भर्ती करनी है ये पहले बीजेपी के ऑफिस में जानी चाहिए, वहां से अप्रूव होकर वो लिस्ट जो है उनके पास जाती थी और वही चंद जो लोग गुंडे जो है वहां जिनके साथ इनका साजबाज है उनकी वहां भर्ती हुई, जबकि किश्तवाड़ के लोगों के साथ खासकर यहां का मजदूर तबका जो है, बेरोजगार तबका जो है, इतनी नाइंसाफी हो रही है इसका कोई अंदाजा नहीं। 300 बड़ा रोड का है, 2 बस्ती पावर प्रोजेक्ट जिसमें लगभग 10,000 के करीब लोग यहां रोजगार कमाते थे और आज हमारे यहां किश्तवाड़ में लगभग 3 पावर प्रोजेक्ट है और इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट से जिसमें हजारों की तादाद में हमारे लोग जो है वहां काम कर सकते हैं, मगर चूंकि कहीं रास्ता ही नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, जहां 1,000 लोग लगने चाहिए वहां उन्होंने 100 लोग भी नहीं लगाए। दादा देता 2,000 मेगावाट ये प्रोजेक्ट हमारे लिए पड़ा है, मगर बाहर जब हम जाते हैं, डोडा में हम जाते हैं, भदरवा में हम जाते हैं, जम्मू में हम जाते हैं,
ਦੇ ਬਦਲ ਇਧਰ ਆਪਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੋ ਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਮੇ ਹਮੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਹਮਾਰਾ ਮੈਂ ਜੋ ਪੁਨਰ ਕੇ ਗਿਆ ਥਾ ਮੈਨੇ ਪੁਨਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਨਾਕ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਯਾਸ ਮੇ ਚਿਚਾ ਮੇ ਚੇਰਚੀ ਮੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਗਲਹਾਰ ਪੜਿਆ ਰਹਾ ਰਾਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਇਨਕਾ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹਾ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੀ ਕਹਤਾ ਜਨਾਬ ਹਮਨੇ ਤੋ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਹਮ ਤੋ ਲਗਾਓ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇ ਮਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਜਹਾਣੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ क्योंकि यहाँ इतनी गुंडागर्दी है यहाँ जो एग्रीमेंट में था कि भाई आपने इतने मजदूर लगा रहे इतनी मशीनरी लगानी है आज वो एग्रीमेंट जो है उसको भलाई का रखकर आज ठेकेदारी सिस्टम किया है मशीनों से काम चल रहा है मजदूर को कोई नहीं पूछ रहा है इसलिए मैं आज जरा जामिया को वार्न करना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ कि अब आपको बाहर जाना चाहिए जो यहाँ हुआ छह साल में बिलखसूस पिछले दो सालों में जो यहाँ हो रहा है ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अब मजदूर को मजदूर का हक देना होगा और बेरोजगार को उसका हक देना होगा और ट्रेडमैन को उसका हक देना होगा और अब हर शहरी को जो उसका हक बनता है उसको वो इंसाफ देना होगा और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों का जो हक है वो हक आपको मैं जरूर दूंगा इसके लिए मुझे कितनी भी जद्दोजहद करनी क्यों ना करनी पड़े मुझे जरूर जद्दोजहद करूंगा मैं मुख्तसर जो हमारे मुंतखब हुए हमारे काउंसलर साहिबान हैं उनसे भी मैं एक दो गुजारिश करना चाहता हूं आप चुनके आए आपको मुबारकबाद मगर जिम्मेदार तो आप बन गए जिसमें कोई बुरा नहीं है अल्लाह ने आपको इज्जत दी लोगों ने मेहनत की मगर आप इस जिम्मेदारी को निभाना है ये बहुत बड़ी बात ये मत समझो आप कि भाई आपको जो फायदा मिला ये कानून का काम ये मैंने देखा ये जिस दिन लागे वो अनजान है मैं भी अब 30 साल से इस सियासत में हूं कई दफा में मुंतखब हुआ जाहिरी तौर पर यह बहुत जबरदस्त लगता है बहुत जबरदस्त लगता है कि भाई पता नहीं यहां पेशो इशरत होगी मगर अल्लाह की कसम आज 30 साल के बाद आपसे मुखातिब हूं ये हमेशा जो मुंतखब होता है उसके लिए ये कानून का ताज होता है ये कोई कुल का ताज नहीं होता है यह जो आप चुने गए पार्टी की तरफ से ये मत समझना आप कि बस हमने मैनेजर लिया बस हम चुन के आ गए लोगों ने हमको वोट दी अल्लाह की कसम इसके पीछे बहुत मेहनत होती है बड़ा सेक्रीफाइस होता है तब जब ज्यादातर लोग जो है आपको चाहते हैं आपको वोट करते हैं वरना यहां बड़े आपने देखे बड़े लोग यहां टाई लगाकर निकलते हैं वोट लेने के लिए क्या मिलता है उनको कोई वोट नहीं मिलता है जलालत मिलती है उनको यह मत कहो आप कि भाई हम निकले तो हम कोई बड़े 30 बार खान से तो हम
इलेक्शन में गए तो लोगों ने हमको वोट किया, लोगों ने दोबारा जब मुआवजा किया कि बीजेपी का और नेशनल कांग्रेस का, जब हमारे कामकाज का मुआवजा किया, जब उनके इनके दौर का और हमारे दौर का मुआवजा किया, जब हमारे काम करने का तरीका और उनके काम करने का तरीका जो है इसको बांट लिया, लोगों ने आज फिर यह फैसला किया ना हमने बड़े मुआवजे किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही भाई एक ऐसी जमात है जो हमेशा लोगों में रहती है, जो हमेशा किसान के साथ रहती है, जो हमेशा मजदूर के साथ रहती है, लोगों के साथ रहती है। तभी जाकर आज ये फैसला जो है लोगों ने अपना फैसला सुनाया। इसमें हमारा कोई, आप ये कहोगे कि मेरा या तमीर साहब का या किसी का कोई रोल है, ये सिर्फ आवाम का रोल है। आवाम ने एक फैसला ले लिया, हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतनी बड़ी कामयाबी इन हालात में हमारी होगी, मगर चूंकि आवाम का ये एकजुट होकर ये फैसला था, अब आवाम ने हमको एतमाद दिया। इस एतमाद को हमने कैसे बाहर रखना है, जबकि आवाम को पता है कि भाई इस वक्त नेशनल कांग्रेस के साथ न इनके पास कोई सरकार है, न ये कोई नुमाइंदे है, क्यों लोगों ने फिर इसी जमात को चुना है। तो मैं काउंसलर साहिबान से यही कहना चाहता हूं, बस एक ही चीज कर लीजिए, अपने अंदर एक तड़प रखनी है कि भाई जिन लोगों ने हमको चुना है, जिन लोगों ने हमको इस हालात में चुना है, हमें वोट किया है, हमने हर कीमत पे उनके साथ साथ रहना है, उनके मसले जो हल करने हैं। हमने अपना टाइम दे दिया, तीस इकतीस साल बहुत होते हैं सियासत में, अब हमको जो हमारी नौजवान जो पीढ़ी है, जो दूसरी पीढ़ी है, इनको तैयार करना है। इनमें मुझे उम्मीद है कि इनमें वो सलाहियत थे, यहां तो काफी लोग आए थे सियासत में, मगर आपने देखा उनके रोल का, वो तो सीधे वो बी टीम का काम करते हैं, तो ये बी टीम जो है ज्यादा देर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि ये जो नई टीम मुंतखब हुई है, इनमें वो सलाहियत है, अगर ये मेहनत करेंगे, लोगों में रहेंगे, मैं आपको यकीन दिलाना